नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, ऊपर थंबनेल पर आपने एक लाइन देखी होगी जिसमें लिखा था फ्लॉप फिल्मों का सबसे बड़ा सुपरस्टार। ये लाइन बस यूं ही नहीं लिखी बल्कि इस लाइन के काफ़ी सारे मायने भी हैं। दोस्तों, बेलमकोंडा साई श्रीनिवास एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती आई हैं, फिर भी इन्हें पसंद करने वाली एक लंबी ऑडियंस है। सैटेलाइट से लेकर डिजिटल और इवन हिंदी डब मार्केट में बेलमकोंडा साई श्रीनिवास की फिल्मों को खासा पसंद किया जाता है। दोस्तों, यूट्यूब पर तो इनकी फिल्मों के व्यूज़ बड़े बड़े एक्टर्स जैसे कि अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, जूनियर NTR, थलापति विजय और थला अजीत कुमार जैसे एक्टर्स की फिल्मों को भी बीट करती हैं। करंटली अगर आप देखें तो YouTube पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म है जय जानकी नायिका, जिसको 880 मिलियन व्यूज़ प्राप्त हैं। इसके अलावा इनकी मूवी सीताराम को 670 मिलियन, छतपति को 500 मिलियन, कवचम को 400 मिलियन और स्पीड नूडो को 450 मिलियन की व्यूज़ प्राप्त है। इसी तरह बाकी की फिल्मों को भी इसी तरह का ऑडियंस की तरफ से रिस्पॉन्स मिला है। आज की तारीख के ये यूट्यूब का सबसे बड़े स्टार फेस हैं। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि YouTube पर बेलमकोंडा साई श्रीनिवास की फिल्मों को काफ़ी पसंद किया जाता है, वहीं तेलुगु ऑडियंस की तरफ से बेलमकोंडा साई श्रीनिवास की फिल्मों को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसकी सबसे बड़ी वजह है अल्लू अर्जुन से सिमिलरिटी। दोस्तों, बेलमकोंडा साई श्रीनिवास को लेकर अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ये बड़े पर्दे पर अल्लू अर्जुन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, इवन इनका लुक भी कुछ उसी तरह का है। इसी के चलते इनके अंदर एक ओरिजिनलिटी मिस हो जाती है, साथ ही साथ इनकी एक्टिंग एबिलिटीज़ और डायलॉग डिलीवरी पर भी शुरू से सवाल उठते रहे हैं। इन्हें तेलुगु इंडस्ट्री के बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्लॉप एक्टर के तौर पर कोट किया जाता है। इसकी वजह यह है कि फ्लॉप होने के बावजूद ये हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। क्योंकि इनके पिता एक नामी प्रोड्यूसर रहे इसलिए इन्हें फिल्में मिलती गईं। दोस्तों, इनकी हिंदी डब फिल्मों को मिले रिस्पॉन्स को देखते हुए बेलमकोंडा साई श्रीनिवास के लिए हिंदी बेल्ट का रास्ता सुनिश्चित किया गया, मगर शायद ये एक इम्पॉसिबल सी बात थी कि रीजनल फ्लॉप होने के बाद कोई एक्टर नॉर्थ में कैसे सक्सीड हो सकता है। नतीजन छत्रपति एपिक डिजास्टर रही। दोस्तों, इनका फिल्म सिलेक्शन ख़राब ही था। लगभग 2 दशक पुरानी फिल्म के रीमेक करने का कोई तुक नहीं बनता। बेलमकोंडा साई श्रीनिवास को अपनी चॉइसेस और फिल्म सिलेक्शन पर काम करना होगा। शायद वे पैन इंडिया रेवोल्यूशन को समझ नहीं पा रहे। इनकी अमूमन फिल्में उस तरह की होती हैं जो साल 2014 और 15 के आसपास चला करती थीं। ये अगर एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ वापसी करें तो बिल्कुल बात बन सकती है। अभी तक इन्होंने टोटल 9 फिल्मों में एज अ लीड हीरो काम किया, जहां पर रक्षासुड़ु जो कि तमिल फिल्म रसासन की रीमेक थी वही तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट हो पाई। अदरवाइज इनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही रही हैं। इनका सक्सेस परसेंट है मात्र 11%। उससे भी सही कहना ये होगा कि इनका फेलियर रेशियो है 89%। इसके बावजूद इन्हें फिल्में मिल रही हैं। हम बस यही कह सकते हैं कि आगे ये सही फिल्मों का चुनाव करें। बेसिकली इस समय बेलमकोंडा साई श्रीनिवास 2 फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। एक है टाइसन नायडू और दूसरी है स्टार्टपुरम डोंगा। इसमें जो टाइसन नायडू है ये बेसिकली बॉक्सिंग पर आधारित है। वहीं इसके अलावा इनकी जो दूसरी फिल्म है स्टार्टपुरम डोंगा, ये जाने माने मशहूर थीफ टाइगर नागेश्वर राव पर आधारित होगी। अभी हाल में ही इनकी एक और फिल्म अनाउंस हो चुकी है जिसका नाम है भैरवम। दोस्तों, इस फिल्म में बेलमकोंडा साई श्रीनिवास के साथ मनोज मंचू और नारा रोहित भी आपको देखने को मिलेंगे। फिल्म का मेन चेहरा बेलमकोंडा साई श्रीनिवास ही होंगे। लेट्स होप कि इन फिल्मों से बेलमकोंडा साई श्रीनिवास को बड़ी सक्सेस मिले और इनका अच्छा खासा कमबैक हो। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बेलमकोंडा साई श्रीनिवास के फिल्मी सफर पर। दोस्तों, इनकी डेब्यू फिल्म थी साल 2014 की अल्लूडू सीनू। दोस्तों, यहाँ पर इनकी हीरोइन थी उस समय की टॉप एक्ट्रेस समंथा। इनके पिता ने ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। इवन ये फिल्म अपना बजट तक रिकवर नहीं कर पाई। हालांकि टीवी, सैटेलाइट और डबिंग मार्केट में इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और इसके चलते जैसे तैसे इस फिल्म ने अपने बजट को रिकवर करके दिखाया। इसके बाद साल 2016 में इनकी मूवी रिलीज होती है स्पीडू निडू, जो कि सुपरहिट तमिल फिल्म सुंदरा पांडियन की रीमेक थी। हालांकि इसका तेलुगु वर्जन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया और ऑडियंस ने इस फिल्म को सिरे से खारिज कर दिया। नतीजन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद साल 2017 में इनकी मूवी रिलीज होती है जय जानकी नायिका, बोयापति श्रीनू की मास एक्शन फिल्म। फिल्म के डायरेक्टर के चलते इस फिल्म को काफ़ी बज मिला। डायरेक्टर साहब की पिछली फिल्म सराय नायडू को ऑडियंस ने खासा पसंद किया था, उसी की तर्ज पर इस फिल्म को भी तैयार किया गया। हालांकि इस बार ऑडियंस ने फिल्म को सिरे से नकार दिया। नतीजन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। हालांकि ओवर द पीरियड TV और YouTube पर इस फिल्म को अच्छा खासा सपोर्ट मिला।
साल 2018 में इनकी मूवी रिलीज होती है साक्ष्यम, जो कि अगेन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। एक एक्टर के तौर पर तेलुगु ऑडियंस इन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुकी थी। इवन क्रिटिक्स ने भी बेलमकोंडा साई श्रीनिवास की एक्टिंग एबिलिटीज को खूब क्रिटिसाइज किया। इसी साल इनकी मूवी कवचम भी रिलीज होती है, जो अगेन बुरी तरह से फ्लॉप रही। साल 2019 में ये काजल अग्रवाल जैसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ सीता नाम की फिल्म में नजर आए। अगेन ये फिल्म बुरी तरह से पिटी और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर की वर्डिक्ट मिली। एक एक्टर के तौर पर इनकी 5 से 6 फिल्में बुरी तरह से पिट चुकी थी। फाइनली साल 2019 में एक फिल्म रिलीज होती है जिसने बेलमकोंडा साई श्रीनिवास को राहत देने का काम किया। दोस्तों ये फिल्म थी रक्षासुणु, जो कि तमिल फिल्म रसासन की रीमेक थी। 16 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 23 करोड़ की कमाई करी और इस फिल्म को क्लीन हिट की वर्डिक्ट मिली। देन कोविड, और कोविड के बाद इनकी एक डिलेड फिल्म रिलीज होती है अल्लूडु अदरुस, जो अगेन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से पिटी और इस फिल्म को फिर से डिजास्टर की वर्डिक्ट मिली। फाइनली साल 2023 में इनकी एक मूवी रिलीज होती है छत्रपति। खुद डायरेक्टर SS राजामौली ने इनका मुहूर्त क्लैप दिया। ये मूवी प्रभास की फिल्म छत्रपति की रिमेक थी। इस फिल्म को पैन इंडिया पर रिलीज किया गया और मानो जैसे यूट्यूब की ऑडियंस कहीं खो सी गई हो। ऑडियंस का इस फिल्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला और ये फिल्म बुरी तरह से डिजास्टर साबित हुई। मात्र एक हिट फिल्म, इसके बावजूद बेलमकोंडा साई श्रीनिवास तेलुगु ऑडियंस के बीच खास जगह बनाए हुए हैं। आई विश हिम लक, ये एक जेंटलमैन एक्टर हैं और मैं इन्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूँ। बहरहाल ये रहा बेलमकोंडा साई श्रीनिवास पर हमारा आज का स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के ऊपर सेम ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं उसकी जानकारी भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।